मैंने हमेशा आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। किसानों को हक नहीं दिला पाए तो नाना करेंगे अपने गांव जाकर किसानी। वास्तविकता देखी जाए तो डर किसका किसे होना चाहिए, इसका तर्क लगाया जाए तो जो रणछोड़ है वही कर रहे गडकरी की अवहेलना। जिसने विकास पर नजर गड़ाकर अपने कार्य किए, ऐसे नितिन गडकरी पर नाना पटोले जो बार बार पक्ष परिवर्तन कर लोगों पर डर का आरोप लगा रहे हैं, शायद यही नाना पटोले यह भूल गए हैं कि जब यह सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया। डालते हैं एक नजर, 1998 में कांग्रेस के आमदार रहे, 2008 में विलासराव देशमुख के साथ विवाद के चलते राजीनामा देकर हुए भाजपा में शामिल, 2014 में प्रफुल्ल पटेल को मात देकर बाजी जीती, भंडारा के बने खासदार। हमेशा नाना को एक ही शिकायत होती है हर पक्ष से कि पक्ष किसानों के विरोधी होता है, या ऐसा कहा जाए जहां नाना होते हैं वही किसानों की समस्या सुलझती नहीं। हमेशा एक ही मुद्दे को लेकर लड़ते आए नाना और कहते हैं मैं किसान हूं, और इसी वजह से 2014 में बीजेपी के खासदार नाना पटोले ने मोदी और फडणवीस को किसान विरोधी बताकर दिया 3.5 साल में इस्तीफा, कांग्रेस में हुए शामिल। इस संपूर्ण मापदंडों के आधार पर देखा जाए तो नाना को ना कांग्रेस रास आई ना बीजेपी। तो जब 2008 में कांग्रेस ने किसानों के बारे में नहीं सोचा और नाना ने राजीनामा दिया तो क्या 2019 में कांग्रेस सुनेगी? क्या ये वाकई किसानों के हित में है या नाना चर्चा का विषय बने रहना चाहते हैं? नेम और फेम के चलते खेला जा रहा राजनीतिकीकरण जिसमें किसान का मुद्दा बना कठपुतली। 2019 के चुनाव में नाना बाजी मारते हैं तो क्या नाना किसानों के हक में लड़ाई लड़ेंगे, उन्हें जितवाएंगे, या फिर किसानों का मुद्दा बनाकर वापस कांग्रेस छोड़ देंगे? ऐसी स्थिति में नाना ना कांग्रेस के है ना भाजपा के, तो क्या वे अपना स्वतंत्र किसान संगठन बनाएंगे या फिर खुद किसानी करेंगे? यह जुमला सटीकता से बैठता है फिल्म सिंघम का, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे बाजुओं में दम है, गांव जाऊंगा किसानी करूंगा, ऐसा कहा था सिंघम ने। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा, मतलब फर्क नहीं पड़ता, गांव जाऊंगा मेहनत करूंगा अपनी जरूरतें पूरी करूंगा, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक से लौट कर देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहे MNS न्यूज के साथ।